जायंट बाइक साइलेंसर। भूरा नाम का लड़का एक अच्छे घर का इकलौता लड़का होने के कारण माँ बाप उसका हर शौक पूरा करते थे, जिस वजह से वो बहुत घमंडी हो गया था। भूरा के लिए जो भी सामान खरीदते वह उसको लेकर अपने दोस्तों को दिखा दिखा कर शो ऑफ करता था। उसके सभी दोस्त भूरा के इस आदत की वजह से बहुत परेशान थे। एक दिन वह मार्केट जाता है और जूते लेकर आता है और वहां से अपने दोस्तों को दिखाता है। अबे देखो, मैंने 5000 का जूता खरीदा है। अब चल बे फेकू, 500 के जूते को बड़ा चढ़ा के बता रहा है जैसे कि हम जानते ही नहीं। अबे ओए, तुम लोगों ने कभी इतना महंगा जूता देखा भी है? तुम लोग चावड़ी बाजार से सामान खरीदने वाले क्या जानोगे इसकी कीमत? कभी 500 के ऊपर का कोई जूता देखा भी है? ऐसा बोलकर भूरा स्टाइल मारता हुआ जैसे ही आगे कदम रखता है, सामने केले के छिलके पर उसका पैर पड़ता है और स्लिप होकर धड़ाम से गिरता है। वहाँ खड़े हुए उसके सारे दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। अरे क्या हुआ, तुम्हारे 5000 के जूते ने तुम्हें गिरा दिया? अले ले 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 ले, मेरा भूरा। उसके सारे दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। इस तरह से वो हंसी का पात्र बन जाता है और भूरा मुंह बनाकर घर चला जाता है। उसे देखकर भूरा के पिताजी कहते हैं, अरे भूरा क्या हुआ तुम्हें, तुम मुंह बनाकर क्यों बैठे हो? भूरा अपना जूता जमीन पर पटकते हुए कहता है, आज इस जूते ने मेरी बेइज्जती कर दी। ये बोलकर वह अपने पिताजी को सारी बातें बताता है। उसके पिताजी कहते हैं, अरे बेटा तू चिंता मत कर, आराम से सो जा, तेरे लिए कल एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? भूरा खुश हो जाता है। फिर वह दूसरे दिन सुबह उठकर देखता है तो उसके घर के सामने एक बाइक खड़ी रहती है। ये देखकर वो खुशी के मारे पागल हो जाता है और नाचने लगता है। थैंक यू बाबा, आपने मुझे गिफ्ट दिया, ये अब बताता हूँ साले भिखारियों को। भूरा फिर से इतराते हुए बाइक लेकर शो ऑफ करने निकलता है और अपने दोस्त के पास बाइक को दिखाने जाता है। देखो मेरी नई बाइक है ना, कमाल की। उसके दोस्त उसको टॉन्ट मारते हुए कहते हैं, हाँ, कल वाले जूते के जैसे। देख कहीं फिर से ना गिर जाना। ऐसा बोलकर सब हंसने लगते हैं। भूरा कहता है, तुम सब मेरे से जलते हो बे सालो, जलन खोर कही के। और बाइक का हॉर्न बजाते हुए वहाँ से वो तेजी से निकल जाता है और अलग अलग जगह जाकर अपने बाइक का शो ऑफ करता, लेकिन उसे कोई भाव नहीं देता। इस तरह तो मेरे बाइक को कोई देख भी नहीं रहा, मुझे कुछ करना होगा। ऐसा बोलकर वो मैकेनिक के पास जाता है और मैकेनिक को समझाता है कि इस पर दो बड़ा वाला साइलेंसर लगा दो और उसमें से बहुत तेज आवाज निकलनी चाहिए। मैकेनिक वैसे ही करता है और उसकी गाड़ी के साइलेंसर से बहुत तेज आवाज निकलती है। और गली गली घूमकर भूरा अपनी बाइक का शो ऑफ करता है। इसकी इस हरकत से पूरा गांव परेशान होता है। वह बड़ा साइलेंसर बाइक लेकर अपने दोस्तों के पास आता है। देखो मेरा बाइक कैसा लग रहा है ना, पूरी दुनिया में सबसे अलग। भूरा अपने दोस्तों के मुंह में धुआं मारते हुए निकल जाता है। दोस्त कहते हैं, यार इसके तमाशे तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। साला हमें नीचा दिखाने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ता, अब साले का कुछ करना ही पड़ेगा। रात भर भूरा के दोस्त बाइक से साइलेंसर में बहुत सारा कचरा डाल देते हैं और जैसे ही भूरा दूसरे दिन सुबह गाड़ी को स्टार्ट करता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। बहुत देर कोशिश करने के बाद बाइक स्टार्ट हो जाती है और जब बाइक गांव में लेकर निकलता है तो साइलेंसर से भरा हुआ कचरा नीचे गिरते जाता है। भूरा जिधर जिधर जाता कचरा उधर उधर गिरता। ये देखते देखते पूरा गांव कचरे से भर जाता है। ये सब देख के गांव के लोगों को बहुत गुस्सा आता है और सभी गांव वाले भूरा की शिकायत लेकर उसके मम्मी पापा के पास जाते हैं। तुम अभी के अभी पूरे गांव का कचरा साफ नहीं करोगे तो हम पुलिस को बुलाएंगे। ये सुनकर भूरा और उसका परिवार डर जाता है और उनको भूरा पर बहुत गुस्सा आता है। पहले भूरा को बुलाकर उसकी खूब पिटाई करते हैं, फिर उसी से ही पूरे गांव की सफाई करते हैं। भूरा का पूरा स्टाइल धरा का धरा रह जाता है और उसके सारे दोस्त ये देखकर बहुत खुश होते हैं। अच्छी लगी ना कहानी, तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। बिग फिश ट्रक, फिश ट्रक को बाहु समुद्र में फेंक देता है। इससे मछलियों का व्यापारी बादशाह उदास होकर समुद्र किनारे पहुंचता है।
अरे मूर्ख की वजह से मछलियों के साथ साथ मेरा ट्रक भी समुद्र में डूब गया। अब मैं कैसे जीऊंगा? अब्दुल की बात मान ली होती तो यहाँ ये सब देखने को नहीं मिलता था। इस तरह से बादशाह उदास होकर देख रहा था। इतने में बाहू फिश ट्रक को अपने दोनों हाथों से उठाकर ला रहा था। मछलियां चली गई तो क्या हुआ, कम से कम ट्रक को तो बचा लिया इसने। आज से बहुत सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी मछलियों को ट्रक से ही रखवा देता हूँ। इतने में हुसैन वहाँ आता है। बादशाह भाई, बाहू को देखा आपने? किस तरह से ट्रक को उठाकर ला रहा है, ये बहुत बलवान है। अरे तुम फिर आ गए? तुम उस बाहुबली के बारे में मुझे मत समझाओ। अभी तक मैंने बहुत सारा नुकसान उठाया है, अभी मैं उससे कोई काम करवाना नहीं चाहता। अरे बादशाह भाई, तुम एक बड़े अच्छे व्यापारी हो। अच्छे व्यापारी को बाहू जैसे मूर्ख से काम करवाना आना चाहिए। अगर तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग बाहू के शारीरिक बल के साथ करोगे तो तुम व्यापार को आगे बढ़ा सकते हो। अरे फिर से तुम्हारी बातों में नहीं आना चाहता, मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ। अरे बादशाह भाई, देखो तो कितनी बड़ी मछली किनारे आ रही है, उस मछली को ट्रक में कैसे चढ़ा पाओगे बताओ। मैं अभी क्रेन लेकर आता हूँ, उसी के जरिए मैं मछली को ट्रक में चढ़ा लूंगा। अरे रुको भाई, क्यों इतना खर्चा करने पर तुले हो? वो पैसे मुझे दे देना, मैं तुम्हें बाहू से काम करवा कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, फिर एक बार मैं अपना नुकसान नहीं कर सकता। अरे बार बार गलतियां कौन दोहराता है, मैं उससे काम करवा लूंगा। ठीक है, एक आखिरी बार तुम पर भरोसा करता हूँ, इस मछली को ट्रक में डालकर मार्केट पहुंचा देना। हाँ ठीक है। इतने में अब्दुल वहां आता है। अरे बादशाह भाई, फिर से क्यों इन पर भरोसा कर रहे हो? अभी तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। एक बार भरोसा करके देख लेता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन ये बात याद रखो, मूर्ख लोग हमेशा मूर्ख ही रहते हैं, उन्हें बदलना नामुमकिन है। अरे बाहू, उस मछली को उठाकर ट्रक में डाल दो। हाँ ठीक है, अभी उठाकर ट्रक में डाल देता हूँ। इस बार मुझे अच्छे से काम करना चाहिए, नहीं तो मुझे डांट खानी पड़ेगी। ये सोचते हुए वो अपने दोनों हाथों से उस मछली को उठाकर ट्रक के अंदर फेंक देता है। इससे ट्रक बीच में से टूट जाता है। अरे ये क्या किया, इसने मेरा ट्रक तोड़ दिया, अब मैं क्या करूं? इसमें बाहू की गलती नहीं है, वो ट्रक समुद्र में डूबने के कारण पिघल गया होगा और वो इस बड़ी मछली को सहन नहीं कर सका, इसलिए टूट गया। तुम इतना ज्यादा उदास मत हो भाई। अरे तुम क्या कह रहे हो, मेरा ट्रक समुद्र के पानी में डूबने से पिघल गया? तुम्हारी मती मारी गई है क्या? तुम भी उसी तरह के बड़े मूर्ख हो, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हो। इतना गुस्सा क्यों होते हो भाई, थोड़ा कूल हो जाओ। इस मछली को बाहू उठाकर मार्केट तक ले जाएगा, तुम उदास मत हो। ठीक है, इस मछली को मैं उठाकर मार्केट पहुंचा दूंगा। बाहू मछली को उठाकर मार्केट की ओर चलने लगता है। रास्ते में बाहू ने कहा, बादशाह भाई, हुसैन भाई, मुझे बहुत थकान हो रही है, थोड़ी दूर मछली आप लोग उठाएंगे क्या? ये कहते हुए वो मछली को दोनों पर फेंक देता है। सिर्फ बादशाह और हुसैन के ऊपर मछली आ पड़ती है। वे दोनों मछली के नीचे आ जाते हैं। अचानक मछली पर बाहू आकर बैठ जाता है। अरे भाई वाह, इस पर बैठने से कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। अरे अरे मूर्ख आदमी, अरे मछली के नीचे हम लोग फंसे हुए हैं। अरे हटो ऊपर से, हमें बाहर निकालो। अरे मूर्ख आदमी, हटो वहाँ से। अरे थोड़ी देर रुको ना भाई, कुछ नहीं होगा। अरे बाहू मेरी बात सुन यार, मछली को उठा के ले चलो, फिर बाद में आराम कर लेना। हाँ हाँ ठीक है। बाहू मछली को उठाकर मार्केट के लिए निकलता है।
बच गए भाई, वरना इसके वजन से तो जान ही निकल जाती। अभी मैं चल नहीं सकता, इसलिए ये मछली को फेंक दूंगा तो मार्केट में जाकर गिर जाएगी। नहीं नहीं बाहू, ऐसा मत करना। हाँ बाहू, अच्छे से निशाना लगाकर मछली को मार्केट में फेंक दो। बादशाह भाई तुम चिंता मत करो, उसका निशाना बहुत अच्छा है। बाहू फेंको फेंको मछली को। हाँ ठीक है। बाहू ने मछली को जोर से फेंका, मछली जाकर समुद्र में गिर पड़ी। अरे ये क्या किया, इसने फिर से मछली को समुद्र में फेंक दिया, मेरे ट्रक को भी तोड़ दिया। अब मैं जिंदगी भर कभी भी मूर्खों की बातों में नहीं आऊंगा, मुझे अच्छी सीख मिली है। ये कहकर वो अपने घर चला जाता है। जीवन में कभी भी मूर्खों की बात को नहीं मानना चाहिए। मूर्खों पर भरोसा करके उनसे काम नहीं करवा सकते। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसी और भी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नमस्कार।